हेलो एवरी वन वेलकम बैक टू चैनल लास्ट मिनट आर एस एम एंड हियर आई एम बैक विद अनदर वीडियो तो दिस इज द पार्ट थ्री ऑफ इनकम टैक्स सीरीज विच वी हैव स्टार्टेड तो डायरेक्ट टैक्स के जो एम सी क्यूज हमने डिस्कस करना स्टार्ट किया था इसका वो पार्ट थ्री है तो इसके पहले के दो पार्ट्स में भी काफ़ी सारे एम सी क्यूज हमने डिस्कस किए थे जिसके वजह से आपके कंसेप्ट के ऊपर जो बेसिक पॉइंट्स है वो आपके क्लियर होंगे तो अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखे तो उसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं वहां से आप चेक कर लो या आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा पार्ट थ्री डायरेक्ट टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 2021 लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन सैलरी अर्न एंड रिसीव्ड इन मस्कट इज टैक्सेबल फॉर तो थोड़े स्कोप ऑफ टोटल इनकम के क्वेश्चन लिए हैं सेक्शन फाइव के सैलरी अर्न एंडल फॉर रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरिलेसिडेंट रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट या नॉट टैक्सेबल फॉर ऑल तो मस्कट इज अ फॉरिन कंट्री फॉरिन कंट्री का इनकम है तो वो सिर्फ रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरली रेसिडेंट जो हमारा फर्स्ट कैटेगरी ऑफ पर्सन है उसे ही टैक्सेबल होगा बाकी के लोगों को वो नॉट टैक्सेबल बन जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड इनकम फ्रॉम बिजनेस इन यूके कंट्रोल फ्रॉम इंडिया अगर फॉरेन इनकम रहेगा और कंट्रोल अगर इंडिया से रहेगा तो मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी में इट इज टैक्सेबल अब फर्स्ट एंड सेकंड कैटेगरी कौन सी होती है फर्स्ट कैटेगरी है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेसिडेंट सेकेंड कैटेगरी है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरीली रेसिडेंट और थर्ड हमारा इंडिविजुअल होता है दैट इज नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल फॉर ऑल अवर Taxable for ROR and RNOR, taxable for all, taxable for non resident. The right answer for this is first and second category that is resident and ordinarily resident, and resident but not ordinarily resident. The amount brought to India out of past untaxed profits is taxable for ROR, taxable for both. टैक्सेबल फॉर एनआर एंड नॉन टैक्सेबल फॉर ऑल तो अमाउंट ड्रॉड टू इंडिया आउट ऑफ पास्ट एंड टैक्स प्रॉफिट मैंने आपको बताया था जब हमने स्कोप ऑफ टोटल इनकम पढ़ा था कि स्कोप ऑफ टोटल इनकम के जितने भी पॉइंट है वो सारे के सारे पॉइंट्स नॉन टैक्सेबल होंगे अगर वो पास्ट एंड टैक्स प्रोफिट्स के बारे में बात करेंगे तो पास्ट एंड टैक्स प्रॉफिट ड्रॉड टू इंडिया इज नॉट टैक्सेबल फॉर ऑल क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखते हैं द पेंशन रिसीव्ड ऑन मंथली बेसिस इज कॉल्ड एस मंथली बेसिस पूछ सकते हैं या फिर यहाँ पे एक दूसरा वर्ड आ सकता है पीरियॉडिकल पेंशन तो पेंशन दो टाइप का होता है एक होता है कम्यूटेड पेंशन और दूसरा होता है अनकम्यूटेड पेंशन कम्यूटेड मतलब लमसम पेंशन अनकम्यूटेड मतलब मंथली पेंशन तो राइट आंसर इसका क्या बनेगा कम्यूटेड फैमिली अनकम्यूटेड या रेगुलर तो इसका राइट आंसर बनेगा अनकम्यूटेड पेंशन अनकम्यूटेड पेंशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज पीरियॉडिकल और मंथली पेंशन द डिडक्शन फॉर एंटरटेनमेंट अलाउंस इज गिवन टू तो सैलरी चैप्टर में जो सेक्शन सिक्सटीन है उसमें एंटरटेनमेंट अलाउंस का डिडक्शन मिलता है जिसकी मैग्जिम लिमिट रुपीज़ फाइव थाउजेंड है लेकिन ये जो डिडक्शन होता है वो सिर्फ प्राइवेट एम्प्लॉय गवर्नमेंट एम्प्लॉय या दोनों को या किसी को भी नहीं मिलता ये जो डिडक्शन है एंटरटेनमेंट अलाउंस का ये सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही मिलता है प्राइवेट एम्प्लॉय एलिजिबल फॉर सच काज पर तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पी जीबीपी नेट ब्लॉक मेथड ग्रॉस ब्लॉक मेथड ब्लॉक ऑफ असट्स मेथड या इनकम टैक्स मेथड तो मैंने आपको बताया था डेप्रीसिएशन जो है अंडर सेक्शन थर्टी टू ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन अंडर द चैप्टर ऑफ बिजनेस प्रोफेशन इज कैलकुलेटेड एज पर ब्लॉक ऑफ असेट मेथड जहाँ पे मैंने आपको नंबर ऑफ डेज के बारे में बताया था कि वन एटी डेज ये ज्यादा अगर यूज करेंगे असेट तो फुल ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वन एटी डेज से कम अगर असेट्स यूज करेंगे तो आधा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इफ गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम ग्रैंड फादर देन इट इज अप टू रुपीज तो ग्रैंड फादर ग्रैंड मदर मदर फादर मैंने आपको तीन पॉइंट बताए थे उसमें इनहेरिटेंस मैरिज डेथ ये तीन पॉइंट और आर से होता है रिलेटिव तो आई एम डॉक्टर याद रखना आपको आई एम डॉक्टर आई से इनहेरिटेंस एम से मैरिज डी से डेथ और आर से रिलेटिव इन सभी चीजों से अगर गिफ्ट मिलता है तो दैट इज फुल्ली एक्ज तो लिमिट कुछ नहीं है और अगर फ्रेंड्स का गिफ्ट आएगा तो दैट विल बी एक्जेम्ट अप टू रुपीज फिफ्टी थाउजेंड तो यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्ट बन जाएगा द स्कोप ऑफ टोटल इनकम इज कवर्ड अंडर सेक्शन सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन टेन सेक्शन फोर सेक्शन फाइव काफी इजी क्वेश्चन है स्कोप ऑफ टोटल इनकम जो है जो हमने तीन पॉइंट्स में इनकम को डिवाइड करना है आर ओ आर आर एन ओ आर और एन आर दैट इज टैक्सेबल तो वो किस बेस पे सेक्शन कौन सेक्शन में कवर होता है दैट इज कवर अंडर सेक्शन फाइव ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट नाइनटीन सिक्सटी वन क्वेश्चन नंबर नाइन देखते हैं इफ़ प्रॉपर्टी इज हेल्ड फॉर मोर देन डैश मंथ्स देन गेन अराइज फ्रॉम सच ट्रांसफर इज कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो इन द चैप्टर ऑफ लॉ कैपिटल गेन वी हैव टू टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म तो वो मैंने ऑलरेडी ये एक वीडियो बना दिया है वो वीडियो में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा कैपिटल गेन का बेसिक थियोरी जो ध्यान से आपको देखना है वहाँ से पूरे के पूरे आपके डिटेल्स कवर अप हो जाएंगे फिलहाल प्रॉपर्टी के बारे में अगर बात करें तो तीन साल से ज़्यादा होल्ड किया रहेगा तो लॉन्ग टर्म तीन साल से कम होल्ड किया रहेगा तो शॉर्ट टर्म तो इसका राइट आंसर बनेगा थर्टी सिक्स मंथ थर्टी सिक्स मंथस का मतलब होता है थ्री इयर्स लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर टेन अंडर कैपिटल गेन द एग्जेबिशन अंडर सेक्शन फिफ्टी फोर इज ऑफ न्यू हाउस परचेज न्यू हाउस सोल्ड इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स या ओल्ड हाउस सोल्ड तो ध्यान रखना इन द चैप्टर ऑफ लॉन्ग द कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का कंसेप्ट आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में दो सेक्शन कवर होते हैं सेक्शन 54 और सेक्शन फिफ्टी फोर ई सी जो है दैट इज ऑफ न्यू हाउस परचेज एंड फिफ्टी फोर ई जो है दैट इज़ इन्वेस्टमेंट इन एनी काइंड ऑफ बॉन्ड्स तो आपको यहाँ पे पूछ रहे सेक्शन 54 के बारे में तो सेक्शन 54 फोर इज़ रिलेटेड विथ न्यू हाउस परचेज लेट्स इट फ्राम दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक करे अपने फ्रेंड्स में शेयर करे और चैनल पे पहली पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लेना बिकॉज इस चैनल पर आपको ऐसे ही लास्ट मिनट रिविजन रिलेटेड एम सी क्यूज मिलते रहेंगे और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले मैंने सारे पी डी एफ्स वहाँ पर शेयर कर लिए है जो प्रैक्टिस एम सी क्यूज आपके सारे सब्जेक्ट्स के वहाँ पर आपको मिल जाएंगे मैंने ऑलरेडी पी डी एफ शेयर कर लिया है तो अगर आप अभी भी ज्वाइन कर लोगे तो भी आपको पिछला जो भी कुछ है वो सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू बाय बाय टेक केयर